ऑफिशियल जो है हॉस्पिटल चिलास में मौजूद हूँ और एफ एस कंपनी पास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विजिट करेंगे और देखेंगे कि जो इक्विपमेंट नए जो जमीन होने से क्या मौजूद है या नहीं और इस हवाले से कितना हेल्थ सेक्टर में काम हुआ है। अनुसर पहले हम किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं? सी एस एफ ने इसको वो किया है, कोऑर्डिनेट और कॉपरेट किया है। हमने एक सी सी यू बनाया है 5 बेड का, तो सी एस एफ ने इसको इनॉग्रेट किया मार्च 2023 में। जी जी, सी एम साहब और सी एस एफ ने इसका पूरा जो सामान का सी एस एफ ने इसका बजट डोनेट किया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सर यहाँ पर फीमेल नर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट के लिए? बस EMT का कोर्स किया हुआ हूँ, क्योंकि अमर में ये पोस्ट वैकेंट है, फीमेल्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो फीमेल है वो गिलगित बल्तिस्तान उधर से आके हैं, लेकिन उनकी मकदार बड़ी कमी है, तो उनको फीमेल वार्ड में एमरजेंसी में हमने वो दे दिया। यहाँ पर नहीं बना दिया। चले नाजरीन, अगला वार्ड का आप लोग विजिट करवाते हैं। सेहत कार्ड के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने 3 से 4 करोड़ तक हमने लोगों को मेडिसिन दिया है, फ्री मेडिसिन। डेली 30 से 40 पेशेंट हमारे पास नए एडमिट होते हैं, रजिस्टर्ड, और तकरीबन 80 से लेकर 90 तक हमारे करोड़ अबाउट डेली के हिसाब से पेशेंट को वार्ड में जो एडमिट पेशेंट है। पब्लिक का रिस्पॉन्ड कैसे है? पब्लिक का भी आहिस्ता आहिस्ता उनको एजुकेट करते हैं, सारे साथियों के साथ अहलाब के साथ पेश आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आहिस्ता आहिस्ता उनको भी थोड़ा सा शुरू आ रहा है, तो इंशाल्लाह ये सिर्फ कार्डियक पेशेंट के लिए है, क्योंकि एमरजेंसी में जब हार्ट अटैक और पेशेंट आते हैं उनको वार्डों में शिफ्ट करना बड़ा मसला होता है। या एमआई पेशेंट का प्रोटोकॉल ये है, जब उसको फर्स्ट अटैक होता है तो उसको ज़्यादा मूव नहीं करना, इसीलिए ये कराएं। ये सारे मॉनिटर वगैरह ये सी एस साहब ने इसका वो स्पॉन्सर किया हुआ है, ये भी फंक्शनल है, फुल फ्लेज। हाँ बिल्कुल, ये हमारा इसके साथ सेंट्रल ऑक्सीजन वो है, ये 6 बेड को एक कनेक्शन सप्लाई करता है, उससे पाइप लेके जिस बेड में पेशेंट होता है उसको यहाँ से सेंट्रली वो बिल्कुल बिल्कुल पूरा ये। ऑफिस है,
इधर चेंजिंग रूम में। नॉलेज की बहुत कमी है, एक उनका
उनका फॉलो अप नहीं होता, 9 months को बगैर फॉलो अप के लिए फिरती रहती है, कोई उनका नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई उनकी वो प्रॉपर चेकअप नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती. हमारे पास वो एमरजेंसी में लैंड होती है विद क्रिटिकल कंडीशन. मतलब हम लोग भी अगर मजबूर होते हैं कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि हम उनको किस तरह से इंटरटेन करें. कई दफ़ा पेशेंट इतनी क्रिटिकल हालत होता है कि हमारे लिए भी मुश्किल होता है उसको मैनेज करना, लेकिन फिर भी हम लोग अपना जितना भी हमारी एफर्ट है हम लोग करते हैं और पेशेंट को फिर भी हम इंटरटेन करते हैं. हमारे पास अभी भी एक डिप्लेप्टिक पेशेंट थी जो फिट्स के साथ आई थी, तो अभी स्टेबल है लेकिन अभी उसकी वेलकम मैनेजमेंट वगैरह जारी है. तो मतलब इस तरह के पेशेंट हम डील कर रहे हैं विदाउट, मतलब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन उसमें भी हम पेशेंट मैनेज कर रहे हैं. तो ये है थोड़ा सा हम लोग, मैं तो लिखाऊंगी आवाम को यहाँ के खास तौर पर लोगों को ये मैं पैगाम देना चाहूँगी कि औरतों की सेहत पर थोड़ा सा चाहिए. औरतें यहाँ पर इतने बच्चे पैदा कर रही हैं, एक औरत के प्रति 12-13 बच्चे कम अज कम, इससे ज़्यादा भी हैं. और वो कॉम्प्लिकेशन रहने वाले जितने जितने बच्चे ज़्यादा उतने कॉम्प्लिकेशन होती है. एनीमिया है, यहाँ पर खुराक का मसला है, खुराक अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, और कॉम्प्लिकेशन के लोग उस हिसाब से बच्चे के साथ में मदर. तो जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं आप उनको गाइडलाइन देती हैं? हाँ, जहाँ तक मेरा है मैं उनको गाइड करती हूँ और मैंने फॉलो अप का लाजमी बोलती हूँ कि एक महीने बाद लाजमी चेक करो. और बहुत सी अभी फॉलो अप पे आ भी रही हैं जो दूर दराज के हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं आ सकते लेकिन कुछ हैं वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है इनका. तो मैं ये कहूँगी कि लोग थोड़ा सा यहाँ पे अपनी औरतों पर ध्यान दें. आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है यहाँ की सिग्निफिकेंस बताइएगा बाकी ये चूँकि एक बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है. कुछ मुश्किल आप उनको जी रहे हैं पर तमाम को तो बहुत ज़्यादा. मैडम मैं तकरीबन यहाँ कोई 14-15 साल से काम कर रही थी और मेरे गायनी में भी काम कर रही. तो यहाँ पे इस तरह था कि कुछ प्राणी जो मैं क्या हम लोग देते थे मतलब उसकी तरफ से जब तरह से वो लोगों को पता नहीं था, जैसे वैक्सीन यहाँ पे कम नहीं करा मेरे बच्चों को बिल्कुल भी. यहाँ मतलब कॉन्सेप्ट नहीं करता है कि ये वैक्सीन क्यों करवाते बच्चे. तो लोग कहते थे इनको लगाने से बच्चों को फिकर होती और मुसीबत आ जाती. फिर आस्था हम लोगों ने उसको समझाया था जैसे मतलब पाकिस्तान फौज को तैयार कर रहा है. मतलब समझाने का तरीका क्या इसी तरह से ये कैसे समझाया आपने ये वैक्सीन मतलब जो मुख्तलिफ बीमारियाँ बच्चों में रखे हो रहा है ये पहले से हम लोग वैक्सीन करवा दे ताकि आपके बच्चों को बीमारियाँ जो पेशेंट हमारे पास आते हैं समझा जी. इसी तरह के अभी बिल्कुल मतलब लोग कुछ चाहते हैं हम अपने बच्चों को वैक्सीन करवाएंगे. इसी तरह पॉपुलेशन मतलब कि यहाँ पर वो मैंने मुझे बताया कि यहाँ कितने बच्चे हैं लोगों की कॉन्सेप्ट नहीं था कि यहाँ मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वक्फा कैसे रखेंगे. यहाँ तो मुमकिन तो ये नहीं थे कि बच्चे को बंद करना भूलना हो, यहाँ पे तुम अपने बच्चों को बंद नहीं करवा दी. लेकिन हम ये चाहते हैं कि माँ भी सेहत ना करे तो आने वाला बच्चा तो वो भी सेहत ना करे. 12-14 साल से आप काम कर रही हैं, मुझे बताइए बेहतरी कैसी आ रही है. और लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं अभी टेंट बनाने पर भी काम हो रही है, वैक्सीन पर भी काम हो रही है, हाइजीन पब्लिक सेक्टर के अलावा हॉस्टल के निज़ाम में या एम एस आर जो चूँकि उनके लिए पोस्टिंग होती रहती नहीं है जिससे भी आपको वास्ता पड़ता है. एम एस आर तो यहाँ पे जितने भी आए ये यमन के आए या जितने क्या है ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जितना इनके हाथ से होता है जितना उत्पन्न आता है ये जमा के उसको चले. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि कोई मैसेज देंगे यहाँ की जो आवाम इस वक्त आपको सुन रहे हैं खवातीन में शामिल हैं मर्द हजार की क्या पैगाम देंगे. मैं इनके लिए बस यही पैगाम है कि मतलब जो भी पेशेंट आते हैं हम उनको समझाते हो हमारे साथ कॉम्पेयर करो जो यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है हम इस एन एस आर को मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ की नीड को पूरा करता है. चलो ठीक है, आप लोगों के भी बेस्ट विशेज हैं एंड आई हैव अ नाइस टू मीट यू इंशाल्लाह फिर. हॉस्टल के निज़ाम के हवाले से, सहूलियात के हवाले से कोई परेशानी या कुछ इकदाम कुछ हुए हैं?
مزے کی بات ہے یہاں پہ گلگت بلتستان کا کوئی ڈاکٹر نہیں آتا, اور اگر ہم آتے تو ہمیں ریزسٹ کیا جاتا. یہاں کے ڈاکٹرز ریزسٹ کرتے ہیں, ان کو اپنے مسئلے رہتے ہیں کہ ان کی پرائیویٹ پریکٹس بیٹھ جائے. چلاس میں تو آپ کو کسی نے ریزسٹ نہیں کیا. ہم لوگ اتنا لینگویج بیریئر بھی ہے, کلچرل بیریئر بھی ہے, ہمارے لیے بھی ایک بیریئر ہے, لیکن ہم لوگ اگر سرو کر سکتے ہیں تو اس ایریا کے لوگ کیوں نہیں آتے. مطلب ہم دوسرے ایریا سے آگے تو سرو کر رہے ہیں, اور ہمیں مشکلات ہمارے بھی ہیں. جیسے مطلب پورٹریٹ کیا جاتا ہے, اب تھوڑا ٹائم گزارو, تھوڑا ان کو انڈرسٹینڈ کرو. چیزیں بہتر ہوں گی, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم.